और हमारे साथ हमारे राजनीतिक सलाहकार एसके मिश्रा जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में। जिस तरीके से यहाँ पर आज मतगणना सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुकी है, हालांकि छुटपुट बातें भी सामने निकल कर आ रही हैं। किसी किसी के एजेंट जो हैं उन्होंने भी कई बूथ पर ये कहा है कि काउंटिंग ठीक से नहीं हो रही है, तमाम सारी बातें निकल कर आ रही हैं। लेकिन अगर चुनावी समीकरणों की बात की जाए तो निश्चित तौर पर भाजपा शुरुआती रुझानों में आगे दिखी है। एके मिश्रा जी, आपसे सबसे पहले। देखिए स्वाति, मैं आपको क्लियर कर दूं, जी बाई इलेक्शंस और जो मेन इलेक्शंस होते हैं दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, और कहीं बिल्कुल से भी कोई कोरिलेशन हमें नहीं लेना चाहिए। मैंने कई चैनलों पे ये बोला है कि बाई इलेक्शन जो है वो प्योर एक गांव का जो इलेक्शन होता है उसकी तरह होता है, जहां पे केवल लोकल इंडिविजुअल क्लाइंट जो है उसके मुद्दे होते हैं, उसकी अपनी छवि काम करती है। तो इसका 2014 के इलेक्शन से कोई वो नहीं है। अब हम एक एक सीट की थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। गोरखपुर बिल्कुल देखिए, गोरखपुर में जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब भी योगी आदित्यनाथ जीते थे, कांग्रेस के बाद महंत अवैधनाथ जी ने, और उसके बाद उनके जो शिष्य हैं योगी आदित्यनाथ जी ने, जो अपनी इमेज खुद उस एरिया में बनाई है वो हमेशा काम करती रही है। यानी आप बोल सकते हो कि गोरखपुर में जो इनकी बढ़त हो रही है या ये जीतेंगे तो वो हार्ड कोर इनके सेल्फ अर्न जो है, मतलब इनके वोटर हैं। बीजेपी में अगर योगी आदित्यनाथ बीजेपी में नहीं है, निर्दलीय खड़े हो, वो तब भी जीत जाएंगे। अब आते हैं फूलपुर सीट की। फूलपुर सीट पर देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि वोटिंग परसेंटेज आप देखिए, मतलब एवरेज से ज्यादा हो, 70%, 75% इस तरीके से, अगर एवरेज हो 55-60%, और एवरेज से कम हो, जैसे कि ये 38-40% का हुआ है, तो यहाँ पे एवरेज से कम वोटिंग हुई है। तो आप ये देखिए कि कौन से वोटर हैं जो निकलते हैं, जो बड़े हार्ड कोर लॉयल वोटर होते हैं, पार्टी से जुड़े होते हैं, वही लोग वो बाहर निकल करके बाई इलेक्शन में जो है अपने वोटिंग को करते हैं और वोट देते हैं, और कहीं ना कहीं जनता उदासीन हमेशा रहती है बाई इलेक्शन में। अब इसका मायने देखिए, फूलपुर का जो सीट है वो बड़ा कॉम्पिटिटिव है, उसको समझना जरूरी है। फूलपुर की सीट हमेशा आप देखिए ट्रेडिशनल जो है कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी के पास गई है, और जो विक्ट्री मार्जिन रहा है वो 3-4%, 5% का, बहुत कम मार्जिन से ये जीते हैं। 2014 में 3 लाख वोटों से जीते थे, वो नहीं होगा। तो यहाँ पे पूरे के पूरे फूलपुर का अगर आप ये देखेंगे तो सपा बसपा का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अपने उस पे जो है वो भारी पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का ये मेन इलेक्शन नहीं है, ये लड़ाई केवल और केवल टिपकली योगी आदित्यनाथ जी की है, केशव प्रसाद मौर्य की है, और टिपकली वहां पे जो कैंडिडेट खड़े हैं वो उनके रेपुटेशन से रिलेटेड है। तो अगर प्रेफरेंशियल वे में देखा जाए तो बोला ये जाएगा कि सारी की सारी जो लड़ाई फूलपुर पे है वो सपा बसपा पे है, सपा बसपा और ये इनका बीजेपी के है, ये गठबंधन और बीजेपी से है, और अगर विक्ट्री होगी भी ना तो बहुत मार्जिनल गैप से विक्ट्री होगी यहाँ पे। मिश्रा जी, जिस तरीके से यहाँ पर आपने कहा कि बहुत ही मार्जिनल विक्ट्री होगी क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है, नहीं रजनीकांत जी, बिहार में किस तरीके, बिहार और दिल्ली में क्यों जनता ने आपको नकार दिया था? बिहार और दिल्ली में क्यों आपका सुपड़ा सा 1.25 लाख करोड़ रुपए आपने दिए थे, क्यों बीजेपी को बिहार और दिल्ली में जनता ने एकदम से साफ कर दिया? इसका क्या रजनीकांत जी, क्यों दिल्ली में क्यों, दिल्ली में आप क्यों 2 सीट पे आ गए थे सर? जो हालत इनकी थी, हाँ आप दिल्ली में भी अगला चुनाव देखिएगा। अरे सर भविष्य, अरे भविष्य में तो वो भी जीत सकते हैं ना, स्थिति होगी नहीं, भविष्य तो छोड़िए, अभी 2 घंटे बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें तो आप भी, ये भी भविष्य में तो सभी लोग, देखिए आप लोग राजनेता हैं, आप कभी ना करना आप नहीं जानते हैं, हर बार सरकार आपकी बनती है। बात थोड़ा हम डायनामिक्स की कर ले, जो दोनों इलेक्शन किसने काम किया, मुझे तो ये लगता है काम कोई सरकार नहीं कर रही है 60 साल से, तो कोई सरकार काम ने, आपने खुद बोला है आपकी अच्छा, पार्टी ने, कांग्रेस ने नहीं किया, अच्छा, ये बोल रहे हैं बीजेपी नहीं कर रही है। अच्छा ये सारी व्यवस्थाएं बिना काम किए चल रही है। कौन सी व्यवस्था सर? अरे आप यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, ये भी सरकार की व्यवस्था है सर। वही चीज तो कांग्रेस बोलती है सर, वही चीज तो कांग्रेस बोलती है कि आप तो बोलते हो 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आप तो बोलते हो कि 60 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये गलत बयानबाजी बंद करिए सर, गलत बयानबाजी नहीं है, बात लॉजिक की है सर, बात लॉजिक की है। बात देखिए, मुझे कांग्रेस बीजेपी किसी से कोई मेरा मतलब नहीं है, बात लॉजिक की है। मेरे कहने का मतलब अगर काम के पैरामीटर पे देखेंगे सर, काम के पैरामीटर पे देखेंगे तो मेरा ओपिनियन ये है भाई, सारी सरकारों ने काम किया जिनसे जो हो सकता था, 100% परफेक्ट कोई नहीं है। सड़क बन रही है, पहले नहीं बनी थी सर, पहले ऐसी बात थी, पहले टेलीविजन नहीं था, 2014 के बाद ही सारी चीजें हुई,
2014 के पहले सृष्टि नहीं थी, चांद तारे सूरज नहीं थे, लोकसभा नहीं थी 2014 के बाद, विधानसभा नहीं थी, मुख्यमंत्री नहीं थे 2014 के पहले। मिश्रा जी एक मिनट, रजनीकांत जी अगर आपका कहना यह है कि सारा विकास बीजेपी के आने के बाद हुआ है, तो इस परिभाषा को थोड़ा सा ठीक कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पर आरोप आप पर भी लग सकता है। जीएसटी है, नोटबंदी है, जिससे बहुत जनता आहत है, और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से यहाँ पर सपा आगे चल रही है, तो क्या माना जाए, ये गठबंधन की परफॉर्मेंस के तौर पर इसे देखें, या फिर ये कहें कि वाकई में जो भाजपा पर आरोप काफी लंबे समय से लगता आ रहा है कि ये इस पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करने के लिए है। नहीं नहीं मैम, देखिए मैं फिर से बोलूंगा, त्रिपाठी जी माफ करिएगा, जो ये चुनावी हार जीत होती है चाहे नेशनल या किसी भी लेवल पे, अगर आप देखेंगे सारी पार्टियों में कमियां होती हैं, चाहे कोई भी मुद्दा आप उठा ले, तो आप इसको एक इतर कर दीजिए, अलग कर दीजिए, और इमोशनल एनालिसिस ना करके आप डायनामिक्स की एनालिसिस करिए। क्यों फूलपुर में सपा बसपा की जो गठबंधन है वो आगे चल रहा है? एक केवल मात्र एक ऐसा इलेक्शन है 2014 में जहां पे बीजेपी जीती थी, उसके पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस के बाद हमेशा से सपा बसपा। देखिए कुछ ट्रेडिशनल फैक्टर होते हैं, उपचुनाव में होता क्या है, बड़ी लिमिटेशंस होती है, नेशनल लेवल पे कोई ओपिनियन नहीं होता है, उस इलेक्शन का जो दायरा है जहां पे वोटर्स हैं उसके बाहर के लोग बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं, बाहर के नेता लोग भी एक्टिव नहीं होते हैं। मैंने बहुत सारे चैनलों पे यही चीज बोला है कि डायनामिक्स में फर्क क्या होता है, जो लोकल कैंडिडेट होता है गांव प्रधान का, जैसे इलेक्शन हो, अरे सर आप सुन लीजिए ना प्लीज, जो लोकल इलेक्शन होते हैं गांव का एक इलेक्शन होता है, उस तरीके से इसके डायनामिक्स होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी, देखिए इस इलेक्शन में कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्या बनाएंगे आपकी, हम महंगाई कम करेंगे, एक कैंडिडेट तो ये मुद्दे बना नहीं सकता है। तो ये सारा का सारा ये जाता है कि जो कैंडिडेट है उसकी अपनी लोकल रेपुटेशन क्या है, वोटरों पे पकड़ क्या है। इसीलिए मैंने बोला कि योगी आदित्यनाथ की अगर जीत होगी तो उनके अपने पर्सनल रेपुटेशन और काम के कारण होगी, अगर वो बीजेपी से अलग होकर निर्दलीय खड़े हो तो वो भी जीत जाएंगे। फूलपुर इलेक्शन इसका एक बहुत गजब का एग्जाम्पल है, जो अभी ये आगे जा रहे हैं, देखिए जीत हार तो पता चल जाएगा, लेकिन उसमें उसके पीछे आप वो डायनामिक्स और वो लॉजिक को समझिए क्या है। सारा कास्ट का अगर आप सिस्टम देखेंगे तो भी हमेशा से वो समाजवादी पार्टी की सीट रही है, विक्ट्री वहां पे हमेशा 2-4% के उससे हो जाती है। गोरखपुर में जारी रखेगी यहाँ पर जी, और जिस तरीके से यहाँ पर रुझान जो आ रहे हैं वो फिलहाल ये तय करते हुए दिख रहे हैं कि शुरुआती रुझान में कुछ देरी के लिए भले ही भाजपा आगे रही हो, लेकिन गोरखपुर विधानसभा सीटों में कुछ में से, और फूलपुर की जो लोकसभा में से कुछ विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें फिलहाल सपा आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो है फायदा होता दिख रहा है सपा को। और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं सभी। मिश्रा जी, जिस तरीके से यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक पर जाने के बाद में कि किस तरीके से सियासी समीकरण एक दूसरे पार्टी ने दूसरों के वोट को काटने के लिए कोशिश की है, तो जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा ने आरोप जो लग रहा है भाजपा पर कि अतीक अहमद को इनडायरेक्टली वे में उतारने के लिए कोशिश की ताकि बाकी के वोट जो है वो काटे जा सके। आपको बता दूं कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो इलेक्शन होता है वो बाई इलेक्शंस होते हैं। यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इन्फ्लुएंसर होते हैं जैसे मीडिया का या बड़े नेताओं का पहुंचना, तो जिसके कारण मतदाता ओरिजिनली किसी और को इलेक्ट करना चाहता है लेकिन बाद में वो घूम जाता है, ये फैक्टर नहीं होते हैं। देखिए यहाँ पे रणनीतियां हैं, सारी पार्टियां फ्री हैं, कोई किसी को रोकता नहीं है, जिसको जो समझ में आता है वो करता है, और अल्टीमेट गोल होता है इलेक्शन जीतना, चाहे एक वोट से जीते चाहे लाख वोट से जीते, जीत जीत होती है, जो जीता वही सिकंदर। अब अगर मैं ये नहीं बोलता हूं और मैं ये मानता भी नहीं हूं, मेरा ऐसा कोई किसी पार्टी, अगर ये बोला जाए कि हाँ भाई भाजपा ने जो है अतीक अहमद जी को जो है इसलिए लड़ाया ताकि वो वोट काट सके सपा बसपा के मुसलमानों के, देखिए यहाँ पे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा एक पहलू और भी है, मनीष मिश्रा जो कि बाई कास्ट ब्राह्मण है, अगर देखा जाए तो वो भी कुछ ना कुछ सवर्णों का तो वोट काटेंगे ही काटेंगे ना, बिल्कुल। तो लॉस यहाँ पे अगर सपा बसपा को भी हो रहा है तो लॉस कहीं ना कहीं से बीजेपी को भी होगा। तो ये दोनों पार्टियों की अपनी अपनी रणनीतियां होती हैं, जाने अनजाने में एक दूसरे को, मनीष मिश्रा जी को तो कांग्रेस ने डेफिनेटली जो है अगर उतारा है तो उनकी तो अपनी ये इंडिविजुअल वो है जो है। यहाँ पे देखने वाली बात ये है, बीजेपी इतनी सशक्त पार्टी हो के इनके पास लोकल कैंडिडेट नहीं था, चुनार से इन्होंने जो पटेल जी खड़े हुए हैं वो बेसिकली चुनार के रहने वाले हैं, जो इलाहाबाद फूलपुर से 100 किलोमीटर दूर है। अपनी छवि दिखाने के लिए कोई चेहरा इनके पास पुख्ता था नहीं जिस पर ये वोट मांग सकते, तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि इतनी बड़ी
पार्टी है और आप एक लोकल कैंडिडेट आपको नहीं मिल रहा है कि आप वहां लोकल खड़ा कर दे, ये भी एक मुद्दा होगा। जब आदमी लोकल होता है तो उसकी बॉन्डिंग जो होती है वोटरों से वो बड़ी जबरदस्त होती है इन कंपैरिजन ऑफ आउटसाइडर। नहीं देखिए स्वाति, मैं आपको बताऊं, जैसे वार होती है ना, अगर आप वार हिस्ट्री, त्रिपाठी जी एक मिनट सुन लीजिए, अरे रजनीकांत जी सुन लीजिए, आप दूसरे का खेल बिगाड़ रहे हैं तो दूसरे भी तो आपका बिगाड़ेंगे ना। मनीष मिश्रा आपका नहीं बिगाड़ेंगे क्या? 2-4% तो ब्राह्मण और सवर्णों का वोट जो बीजेपी का है वो तो जाएगा ना, कि 0 वोट मिलेगा उनको मनीष मिश्रा को, और दूसरे को लड़ा के अपना खेल नहीं बनाता तो अधिक अपने बलबूते पे अपना चुनाव लड़ता हूँ। अरे ठीक है सर, मैं मानता हूँ, चलिए आप अपने बलबूते पे, इसको विश्वास मैं नहीं करता, ठीक है, हम लोग अपने बलबूते पर, सर हम नहीं बोल रहे हैं कि आपने या सपा बसपा ने कुछ किया, ये मीडिया बोल रही है, वही के लोग दूसरे के नेता लोग बोल रहे हैं, हमारा सपा बसपा के लोग करते हैं, गठबंधन करेंगे, जाति संकरण करेंगे, हम तो सबका साथ सबका विकास करना चुनाव लड़ते हैं। सर सबका साथ क्या हुआ है? सबका साथ सबका विकास कर लीजिएगा, कौन से एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन है, आप कैसे सवाल उठा सकते हैं किसी के गठबंधन पर? नहीं देखिए स्वाति, बात करते हैं आप लोग। स्वाति देखिए मैं आपको बता दूं, जो आपका ओरिजिनल सवाल था, कोई कितना बड़ा भी पार्टी हो या कुछ भी हो, ये जो वार होता है ना, स्पेशली बड़ा लिमिटेड वार जो होता है, जैसे बाई इलेक्शन, आप कुछ भी अपने तर्कस में कोई भी तीर रखे रहिए, स्ट्रेटजी रखे रहिए, यहाँ आप यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि प्यूरेस्ट एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ जो इलेक्शन आपको अगर एग्जाम्पल मिलता है तो वो ग्राम प्रधान का इलेक्शन हो गया, बाई इलेक्शन हो गया। आप बहुत बड़ी पार्टी है दुनिया की, वो सारी मुद्दे सारी चीजें यहाँ पे काम नहीं करती है। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी थोड़ी आएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। हाँ अगर प्राइम मिनिस्टर और हाईकमान के लोग आते तो डेफिनेटली एक हवा कुछ बनती और कुछ चीजें चेंज हो सकती थी। यहाँ सारे नेचुरल डायनामिक्स काम करेंगे एक दूसरे के ऊपर, जो जाति समीकरण होते हैं, जो कैंडिडेट की अपनी इमेज होती है, कैंडिडेट का अपना काम होता है, और यही एक रीजन है कि यहाँ पे जो वोटर्स होते हैं वो बड़े, हर बाई इलेक्शन में आप देखिए वो उदासीन टाइप के रहते हैं, वोटिंग 70%, 65%, 80% नहीं जाता है, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल जो एक हवा बनती है, जो मोटिवेशन होता है वो लोगों में उतना नहीं होता है, और एक साल के बाद इलेक्शन है तो लोग ये भी सोचते हैं कि अरे भाई कोई जीते कोई हारे उससे क्या फर्क पड़ेगा, एक साल के बाद तो सरकार बदलनी है। बीजेपी सेंटर में ये सोचती है कि अगर हम हार भी जाते हैं, देखिए ये बीजेपी की बड़ी स्पष्ट रणनीति है, लेटेंट रणनीति है, राजस्थान में भी बाई इलेक्शन हुए बीजेपी हार गई, ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी है अगर मेहनत करे तो वो जीत भी सकते हैं, लेकिन पार्टी आला कमान जानबूझ के उदासीन रहते हैं। उसके 2-3 रीजन है, पहला रीजन ये है हार या जीत से सरकार नहीं बदलने वाली है, ना यूपी में ना सेंट्रल में, तो बीजेपी के आला कमान बोलते हैं कि भाई लोकल लेवल पे आप लोग देख लो, तो जो लोकल कैंडिडेट हैं ये उनके माध्यम की बात है, ये उनकी परख होती है, ये उनकी अग्नि परीक्षा होती है। दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक बीजेपी के अंदर एक बड़ा अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है स्टांस, मतलब चकित कर देना। देखिए अगर एक मिनट के लिए फर्ज करिए कि दोनों जगह हो सकता है बीजेपी हार जाए, केवल फर्ज करिए, तो इसका भी फायदा देखिए बीजेपी कैसे लेगी, इसका फायदा बीजेपी ऐसे लेगी कि वो बोलेगी भाई विपक्ष वाले बोलते हैं कि ईवीएम। अब देखो अगर दोनों जगह ईवीएम होता तो एक जगह हमारे मुख्यमंत्री थे, एक जगह उप मुख्यमंत्री थे, हम ईवीएम को मैनेज कर लेते, तो बीजेपी का फायदा यहाँ पे भी होता है। इसलिए बीजेपी बाई इलेक्शन को बहुत सीरियसली नहीं लेती है। ये लोकल जो कैंडिडेट है, योगी जी हो गए, मौर्य जी हो गए, या जो इलेक्शन में खड़े हैं, या जो और लोकल टायर टू के लीडर है, ये उनके साथ की बात होती है, और वो लोग मेहनत करते हैं और हार जीत उन्हीं लोगों के काम से तय होती है।